कैलाश विजयवर्गीय को टिकी, उधर नरेंद्र मोदी तोमर को टिकी, उधर प्रहलाद पटेल को टिकी, उधर राकेश सिंह जी को टिकी, अलग अलग टिकी। दोनों सांसद सांसद तीन तीन केंद्रीय मंत्री और एक भी यहां के मंत्री को अभी टिकट नहीं मिला है। यहां के मंत्री सब संदिग्ध है, इसलिए अभी इनको भी बीजेपी हम सब पूछते हैं, हमने तो इस पर टिकट दे दी है, कांग्रेस से कम घोषित होंगे। सही समय पे होते और तुम सबको घोड़ा पछाड़ करा देंगे, ऐसे होंगे। राष्ट्रवादी भाषण देते हैं ना, पहले कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 9वें दिन शुक्रवार को आगर मालवा जिले में पहुंची। इस यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवासन, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शामिल थे। यात्रा का जिले में प्रवेश पर कानड़ में भव्य स्वागत हुआ, जहां सभी नेताओं ने नगर भ्रमण किया। इसके बाद यात्रा आगर मालवा जिला मुख्यालय पर पहुंची। यहां छावनी झंडा चौक पर आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में सभी नेताओं ने भाजपा, मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। बीबी श्रीनिवासन ने कहा कि बीजेपी ने पूरी जिंदगी झूठ बोलकर राजनीति किया है, हजारों झूठ बोलने के अलावा मोदी कुछ नहीं किया है। विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ होगा। साथ ही वानखेड़े ने कहा कि ऐसा कोई पंचायत नहीं बचा जहां मैंने अपने 2.5 साल में विकास का कार्य नहीं किया हो। 17 साल रहे भाजपा के विधायकों के कार्यकाल की विधायक ने अपने कार्यकाल से तुलना की। विक्रांत भूरिया ने कहा कि जैसे ही हमारी जन आक्रोश यात्रा निकाली, भाजपा बौखलाई और 3 केंद्रीय मंत्रियों 7 सांसदों को चुनाव लड़ाने लगे। इसको रामायण से जोड़कर कहा कि रावण ने भी राम की जीत देखते हुए कुंभकर्ण, अहिरावण और मेघनाथ को मैदान में उतारा था। उज्जैन में 12 वर्षीय बालिका के साथ हुई रेप की घटना को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आगे कहा कि लाडली बहनों को 1,000 रुपए महीना दिया और जिजाजियों को भारी भरकम बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा आगर मालवा से सुसनेर के लिए रवाना हुई, जहां कांग्रेस नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां जीतू पटवारी ने टिकट के लिए दावेदारी कर रहे नेताओं को खड़ा कर कसम दिलवाई कि टिकट किसी को भी मिले, सब एक झूठ होकर काम करेंगे।